Dear students, Assalamu Alaikum. I am Asif Mahmood, your computer science teacher. While studying computer science of ninth class, chapter 4, we are discussing ethical issues related to security. We have discussed confidentiality. एंड प्राइवेसी पायरेसी सॉफ़्टवेयर पायरेसी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स अप टू नाउ टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉड एंड मिस यूज़ आज हम एथिकल इशूज़ रिलेटेड टू प्राइवेसी के हवाले से फ्रॉड एंड मिस यूज़ के बारे में बात करेंगे कम्प्यूटर पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हमें मुख्तलिफ़ मख्तलिफ़ानाइज्ड एक्टिविटीज़ जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है मसलन बाज़ात हमें ऐसी ई मेल आ जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इस लिंक को क्लिक करके जब हम उस लिंक को क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट ओपन हो जाती है जो हमसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगती है जब हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड उसको देते हैं तो वो दरअसल यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा चोरी हो रहा होता है तो एक तो ये मिस यूज़ है या ये फ्रॉड होते हैं कुछ फ्रॉडुलेंट किस्म के लोग होते हैं फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारा पासवर्ड चोरी करके फिर उससे मुख्तलिफ काम लेते हैं इसके अलावा और जो टाइप्स हो सकती हैं फ्रॉड की कि दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी रकम चोरी हो सकती है बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थेफ्ट ऑफ सर्विसेज एंड थेफ्ट ऑफ़ वैल्यूबल डाटा यानी आपकी रकम चोरी हो, हो सकती है सर्विसेज और डाटा जो है कीमती डाटा वो चोरी हो सकता है बाजुकात ऐसी ईमेल आती है जिसमें बताया गया होता है कि आपका इतना बड़ा इनाम निकला है आपको इतना पैसा मिलेगा या आपका एक लकी ड्रा हुआ है और आपका एक बहुत शानदार घर फलानी कलोनी में निकल आया है तो आपको पता ही नहीं चला इतने दिनों से आपको हम तलाश कर रहे हैं तो आप इतना पैसा ट्रांसफ़र के लिए जमा करवाएं तो वो दरअसल वो पैसा जो होता है वो एक तरह का फ्रॉड होता है तो इस तरीक़े से फ्रॉड और मिसयूज़ जो होता है नेट का भी और इस सर्विसेज का जो नेट पे अवेलेबल होती हैं उनका गलत इस्तेमाल करके गलत ख्यालात रखने वाले और ग़लत तरीक़े इस्तेमाल करने वाले लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं आ, इस टॉपिक का हम देखते हैं इस पेज पे लास्ट पैराग्राफ सम टाइम्स सम मेलीशियस यूज़र डिसगैजिज हिमसेल्फ एज़ अवर फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम यूज़फुल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग यानी बाज़ात ऐसा होता है कि गलत यूज़र जो होता है गलत नीयत रखने वाला यूज़र वो धोखा देता है इस तरह का कि वो अपने आप को हमारा दोस्त या ज़रूरी नहीं दोस्त बल्कि खैर खा कोई भी किसी किस्म का खैर खा या आपका भलाई जाने वाला वो अपने आप को बना के पेश करता है और हमसे ज़रूरी या राजदारी वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है तो इस प्रोसेस को के किसी का दोस्त बनकर या बाएतमाद साथी बनकर या ऐसा शख्स बन कर के जिस पर कोई अतमाद करे वो उसको खैर खास समझे इस तरीके से यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करना दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग इसको हम फिशिंग कहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए ये एक ही टॉपिक और इससे रिलेटेड अभी हम सवाल जो हैं होमवर्क की सूरत में करेंगे देखते हैं होमवर्क यह आज का होमवर्क है वट फ्रडुलेंट एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस यूजिंग कंप्यूटर ओवर इंटरनेट यानी कंप्यूटर पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए किस तरह की फ्रॉड वाली एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और दूसरा सवाल है व्हाट इज़ फिशिंग फ़िशिंग क्या है या फ़िशिंग से क्या मुराद है तो यानी ये दो सवाल हैं ये पहला सवाल जो है ये लॉन्ग आंसर के तौर पर भी हो सकता है शॉर्ट आंसर के तौर पर भी आप नोटबुक पर सिर्फ शार्ट आंसर के तौर पर लिखेंगे और ये शार्ट आंसर ही है तो यानी ये दो शार्ट आंसर आपने नोट करने हैं और इसको पहले वाले को एक लॉन्ग आंसर के तौर पे आप याद करेंगे इनको हम बुक पे भी मार्क करते हैं पेज सेवेंटी सिक्स पे ये हेडिंग के साथ यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट सम समऑोराइज एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस सम ऑफ़ दिज इनक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी बाई एलेक्ट्रॉनिक मीन्स थर्विसज़ एंड थेल्यूएबल डाटा यहाँ तक ये शार्ट आंसर है पहले का आज बुक पर ही हम मार्क करेंगे मैं लिख के अलग से नहीं भेज रहा इसलिए तोज्जो से आप इसको मार्क कर लें पहले का शार्ट आंसर है और दूसरा शार्ट आंसर यहाँ से आखिरी पैरा जो है ये सारी तीन लाइनें शामिल हैं इसमें ये दूसरे का वट इज़ फिशिंग ये उसका आंसर है तो ये दोनों शॉर्ट आंसर जो हैं मैंने आपको मार्क करवा दिए और लॉन्ग आंसर के तौर पे अगर ये हो तो ये सारा होगा असल में ये सारा जो टॉपिक है ये अलग से तो नहीं आएगा ये आपका एक जनरल क्वेश्चन लॉन्ग आंसर हो सकता है जिसमें ये शामिल हो सकता है इसलिए आपको ये सारा मालूम होना चाहिए और डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही इसको अच्छी तरह से आपने याद भी करना है ख़ासतौर पर शार्ट आंसर इसके ज़्यादा इम्पॉटेंट हैं शार्ट आंसर्स आपने अच्छी तरह से याद करने और कॉपी पर लिखने भी हैं तो आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज़